केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांदिवली पूर्व में अकुरली सबवे चौड़ीकरण परियोजना का उद्घाटन किया, जो विधायक अतुल भाटखलकर के अथक प्रयासों से किया गया था। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA ने अकुरली सबवे का चौड़ीकरण पूरा कर लिया है। पहले अकुरली सबवे 11 मीटर चौड़ा था, अब चौड़ीकरण के बाद यह 26 मीटर चौड़ा हो गया है। कांदिवली पूर्व में यातायात की भीड़ एक बड़ा मुद्दा था। ट्रांसपोर्टरों के लिए सिरदर्द बनी यह सड़क अब चौड़ीकरण के बाद चिकनी हो गई है। इस सबवे के अब सेवा में आने से कांदिवली पूर्व से पश्चिम एक्सप्रेसवे यात्रा तेज हो गई है। वहीं बांद्रा बोरीवली यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर यातायात भीड़ की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। नहीं, यहाँ पे 3-4 बरस से ये काम चल रहा था, लेकिन ये बहुत कठिन काम था, चैलेंजिंग काम था। आप देख रहे हैं कि मेट्रो जा रही है, 38 मीटर लंबाई के ये गर्डर है और उसके एक गर्डर का जो वेट है वो 1.5 टन का है। तो ये लाना, ऊपर बिठाना, उसके बाद अंदर की मिट्टी निकाल कर ये सबवे चौड़ा करना, और उसमें कई बाधाएँ आई, लेकिन लगातार प्रयास करने के कारण और हमारे सांसद केंद्रीय जबरदस्त निवेश के कारण ये काम आज संपन्न हुआ है। मेरे लिए बहुत संतोष है। बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि मुंबई अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा मेरा वर्णन किया है, तो ये ऊर्जा भी देता है, आनंद भी देता है, के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी देता है। तो आने वाले दिन में और ज़्यादा मेहनत करके लोगों की सेवा में। लगातार विपक्ष में कांग्रेस जिस तरह से आपसे सवाल पे सवाल पूछती थी ट्रैफिक को लेकर, अकुरली ब्रिज के नीचे की जाम को लेकर, आज उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस के लोगों को सिर्फ सवाल पूछना ही आता है। ये अकुरली सबवे 1960 में बना था, तो उसके बाद उन्होंने वाइडनिंग क्यों नहीं किया? ये वाइडनिंग का मैंने सोचा 2015 में इसके पीछे लगा, 2020 कोरोना के बाद इस काम को प्रारंभ हुआ। इसके लिए कांग्रेस वाले आलोचना करते, वो कभी जीवन में अच्छा काम नहीं कर सकते। और ये जनता है वो सब जानती है कि कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। मुझे लगता है जनता जिस पद्धति से प्रतिसाद दे रही है, उससे ये साफ जाहिर है कि जनता इस काम से बहुत संतुष्ट है। लगभग 15 सालों से या उससे पहले से ही बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर हुई, और ये ट्रैफिक की समस्या के कारण जो है वो कांदिवलीकरों को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा था। जो रुग्णवाहिका है वो भी नहीं जा पा रही थी, ना पब्लिक यहाँ पे जा पा रहे थे। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो लोग सवेरे जब काम धंधे पे निकलते हैं तो लगभग एक दो घंटे उनको यहाँ से निकलने के लिए लगते थे, और ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या ये सुलझाव करने के लिए कालदार आमदार ने बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए, और लगभग 15 साल बाद ये इससे छुटकारा मिला है। और ये जो अकुरली का जो रोड है वो रोड का ये जो भी बड़ा किया है उसके कारण आज ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो गई है। कालदार का दोनों को इस काम के लिए धन्यवाद देंगे। किसका धन्यवाद कहना चाहेंगे आज इस सड़क इतनी लंबी? सब अभी आमदार है हमारे यादव जी वाजवादार गोयल साहब के, यार सबका तो प्रशासन का जल्दी काम हो गया, ऐसा ही और आगे जल्दी होगा। और जब आप इस सड़क से निकलते थे या लोगों को देखते थे कि किस तरह का सड़क हुआ करता था आज से पहले, और कितना लंबा जाम हुआ करता था? काफ़ी क्या 10 मिनट का रास्ता है, उसको 1-1.5 घंटा जाता था। सुबह शाम को सबको परेशान हो जाता था, इमरजेंसी के लिए बहुत दिक्कत बन जाता था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस सड़क पर निकल